हेलो नमस्कार भाइयों, आज की ये वीडियो है पावरटेक यूरो 50 नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज आई हुई है उसका है जो 2021 मॉडल। इसके इंजन की बात करें तो 3 सिलेंडर वाटर कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन बोश इंसुलिन पंप के साथ में है। रिजर्वायर के साथ 2933 cc 52 HP कैटेगरी 2200 rated RPM पर 52 HP पावर जनरेट करता है। इसकी लिफ्ट की बात करें तो 2200 kg लिफ्ट है, फिर 2 SCV बॉल के साथ AC DC टाइप। और इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो 15 स्पीड ABC के साथ है, 12+3 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स। और इसके अगर क्लच की बात करें तो डबल क्लच में आता है, इंडिपेंडेंट PTO क्लच लीवर के साथ में 540 एंड MRPTO मल्टी रिवर्स PTO के साथ में, 40 HP PTO पावर है, 6 स्प्लाइन PTO क्लच, यानी कि क्लच में 6 स्प्लाइन जो सेरामेटलिक वाली। और इसके ट्रांसमिशन काफ़ी इजी है अपेक्षा पावरटेक यूरो के। और ये इसका ट्रांसमिशन यानी कि स्पीड चार्ट है। और इसके गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो काफ़ी नया है यूरो 50 से, वही बैटरी चार्जर, ऑयल प्रेशर, वाटर कूलेंट और फ्यूल मीटर। और ये पुराने से थोड़ा नया कर दिया गया है। और ये इसकी प्लेट है जिसपे इसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर लिखा हुआ है, PTO पावर भी लिखा है। 24 kW में इसको HP में कन्वर्ट करेंगे तो 46 HP बनता है। और ये इंडिपेंडेंट PTO क्लच लीवर है, हैंड से ऑपरेट होता है, जो काफ़ी अच्छी बात है पुराने ट्रैक्टर से। और एक बात इसमें और अच्छी लगी, इसका जो गियर है ना वो काफ़ी स्मूथ है यूरो 50 के अपेक्षा, काफ़ी इजीली तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं। ये इंजन स्टॉप करने का स्विच है। और इसका ट्रांसमिशन वही 12+3 लो हाई मीडियम। और पावर स्टेयरिंग डबल साइड पावर स्टेयरिंग है, जो काफ़ी ट्रैक्टरों में कमी ट्रैक्टरों में आती है। जो एक ये अच्छी बात है कि डबल साइड पावर एक्चुएटेड सिलेंडर है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, न ज़्यादा कम न ज़्यादा। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, इसे ना कम बोलेंगे ना ज़्यादा बोलेंगे, मीडियम है, यानी कि अच्छा है। वही यूरो 50 वाला ही इंजन है, इसमें इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वही 50 वाला इंजन है जो 2932 cc का इंजन है, काफ़ी अच्छा इंजन। डीजल खपत बात करें तो काफ़ी अच्छी इसकी डीजल खपत है। और ये पावर स्टीयरिंग ऑयल कैन है, और ये वाटर कूलेंट रिजर्वायर, वो कूलेंट का रिजर्वायर है। ये 24x केयर बटन है। और इसकी हेडलाइट बहुत काफ़ी अच्छी दी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।